नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ गिलेश हाटी और सिलसिला बाजारों का में चर्चा करेंगे यहां पर कम्युनिटी बाजार के बारे में। आज सोमवार का दिन है, कम्युनिटी बाजार के कारोबारी दिन का पहला दिन है, कारोबारी सप्ताह का पहला दिन है। चर्चा होगी यहां पर रूपा मेहता के साथ कि एग्री और नॉन एग्री कम्युनिटी का बाजार कैसा रह सकता है, आज बाजार कैसा खुलता नजर आया, बाजारों में कम्युनिटीज का रुझान किस तरफ है, ओवरऑल ये सब चर्चा करेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले नॉन एग्री में सोने चांदी से, और सोने चांदी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं रूपा मेहता। रूपा मेहता, बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट एम सीवी पर। जी शुक्रिया। रूपा जी, अगर गोल्ड सिल्वर की बात करें तो गोल्ड सिल्वर में देख रहे हैं कि कभी हल्की नरमी तो कभी हल्की सी तेजी, ये जो रुझान है एक दिन नीचे हल्की नरमी का, एक दिन ऊपर हल्की उठाव का, ये कब तक ऐसे जारी रहेगा और ये जो अच्छी तेजी कब तक एक्सपेक्टेड है? देखिए, हल्की नरमी नहीं है बाजारों में, लगातार हम देख रहे हैं कि बाजार ऊपरी स्तरों पर ही कारोबार करते हुए देख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार मार्केट के अंदर तेजी का माहौल है और सोना लगातार $1800 के ऊपर सस्टेन है, और अब जो तेजी है वो कंटिन्यूशन में बनती दिखाई दे रही है। 1840 का भी एक लेवल था जिसको ब्रेकअप करके ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है, और $1860 के बाद अब $1880 तक की तेजी की तरफ बाजार जाता हुआ दिखाई दे सकता है, और ये लगातार कॉन्टिन्यूशन में अपसाइड है। और डोमेस्टिक मार्केट में भी एक्सपेक्टेड है कि 51,200 से लेकर ऊपर में 51,500 तक की रेंज बनती हुई दिखाई दे सकती है, और अभी बाइंग में है मार्केट, सोना और चांदी दोनों ही तेजी की तरफ कारोबार करते दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर बाइंग जो है वो इनिशिएट होती हुई दिखाई दे सकती है। चांदी जो है वो ऊपर में 62,800 से लेकर 63,000 तक का सर छू सकती है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में। वही सोने की बात करें तो 51,500 से 51,600 का सर देखने को मिल सकता है। जी रूपा जी, क्रूड ऑयल में क्या लग रहा है आपको? आज देख रहे हैं कि WTI ब्रेंड दोनों ही $116 पर ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। क्रूड भी लगातार तेजी की तरफ है, और हमने पहले भी डिस्कस किया था कि क्रूड 9,000 तक का स्तर छू सकता है, और अब आप देखिए 9,000 का स्तर इसमें आता हुआ हमें दिखाई दिया है, और बहुत ही जल्द आगे भी एक्सपेक्टेड है कि क्रूड के अंदर कंटिन्यूशन में तेजी बनी रह सकती है, और यहाँ पर $116 के आसपास विदेशी बाजारों में जो $120 तक की तेजी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है, $120 के ऊपर सस्टेन करेगा तो तेजी बन सके, लेकिन फिलहाल के लिए $120 की तेजी के लिए इसमें बाइंग में रहा जा सकता है। जी यहीं से रूपा जी, देख रहे हैं कि बेस मेटल्स में भी हल्का हल्का सी थोड़ी बढ़त देखने को मिली है, आपको क्या लग रहा है, क्या अब बेस मेटल्स में यहाँ से कुछ तेजी बन जाएगी? जिस हिसाब से खबरें आ रही हैं कि जो चाइना है उसकी इकोनॉमी थोड़ी रिवाइव हो रही है धीरे धीरे, और चाइना लॉकडाउन से बाहर आ रहा है, देखिए बेस मेटल में भी तेजी का ही रुझान है, और देखिए बेस मेटल जो है वो लगातार अपसाइड मोमेंटम में देखने को मिल रहे हैं और मार्केट वापसी से उठे हैं, तो कॉपर यहाँ से 780, तो जिंक की बात करें तो जिंक में भी 340 तक का स्तर बनता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है, और ये तेजी जो है वो कंटिन्यूशन में बनी रह सकती है। जी रूपा जी, नेचुरल गैस में क्या लग रहा है आपको, क्या नेचुरल गैस में जो तेजी आ रही है ये फंडामेंटल वाली तेजी है, या फिर ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं उसकी वजह से जो तेजी क्रिएट हुई थी ये वो तेजी है? देखिए नेचुरल गैस में भी तेजी का रुझान है, और नेचुरल गैस अभी ऊपर में लग रहा है कि एक बार 700 के ऊपर निकल सकता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि नेचुरल गैस में अभी फंडामेंटल काफी सपोर्टिव है, और 700 तक ऊपर में एक बार स्तर देखने को मिल सकता है। जी रूपा जी, आज कम्युनिटी बाजार के पहले कारोबारी दिन, आप नॉन एग्री में टॉपिक्स क्या देना चाहेंगी? देखिए मुझे लगता है कि आज सभी नॉन एग्री कमोडिटीज पॉजिटिव है, इनमें बाइंग की तरफ रहना चाहिए। क्रूड जो है वो मुझे यहाँ से काफी अच्छा लग रहा है, अब यहाँ पर 9,060 से 9,080 की रेंज क्रूड में बनती हुई दिखाई दे सकती है, क्रूड बाय कर सकते हैं, और सेम एज इट इज कॉपर भी बाय किया जा सकता है 800 के स्तरों के लिए, तो इन कमोडिटीज के अंदर फिलहाल तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। जी तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज की।